कि सेट क्या होता है? सेट किसी भी वस्तुओं का समूह होता है। किसी भी वस्तुओं के समूह की बात की जाएगी तो हम उसे सेट कहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। सेट की खोज किसने की? जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। सेट का अर्थ है वस्तुओं के समूह। वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे? सेट। सेट को दिखाने का तरीका है मजला ब्रैकेट। मजला ब्रैकेट में हम इसे दिखाते हैं। उसके बाद में एक सिंबल यूज होता है जो सेट में ज्यादातर, उस सिंबल की बात बता रहे हैं। इसे कहते हैं एप्साइलन। ये यूनानी प्रतीक है, यूनान का है ये प्रतीक। इसका इस्तेमाल सेट में किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्साइलन। इंग्लिश में कहते हैं एप्साइलन, जिसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू। इंग्लिश में अर्थ होता है बिलोंग्स टू। हिंदी में कहेंगे अवयव है, या कहेंगे सदस्य है, या कहेंगे मेह। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण है स्वरों के समुच्चय। तो स्वर हम जानते हैं कि पांच होते हैं, तो हमने कैपिटल बी मान लिया। तो कैपिटल बी बराबर ए ई आई ओ यू, ये पांच हमारे वॉवेल हो गए। अब देखिए ए बी का अवयव है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए है, या फिर हम कहें ए बी का सदस्य है। अब देखिए बी इसमें नहीं है, ये स्मॉल बी इसमें नहीं है, तो ये इसका सदस्य नहीं। सेट को दो रूपों में निरूपित किया जाता है। पहला है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सारणीबद्ध रूप को कहते हैं डेवलप फॉर्म, रोस्टर रोस्टर फॉर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। अब समझते हैं इसको लिखते कैसे हैं। सारणीबद्ध रूप को मझली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा से अलग कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लिख रखा है, देखिए मझली ब्रैकेट से लिखे हैं और कॉमा से अलग कर दिया है। हमने एग्जाम्पल लिया अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब इसको लिखने का तरीका क्या बना कि हम मझले ब्रैकेट से क्लोज कर दिए और सभी स्वरों को कामा से अलग कर दिए। ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, इस प्रकार लिख दिए। सेट बुल्डर फॉर्म को कॉलन में लिखते हैं। कॉलन ये है, ये साइन जो आपका है दो डॉट्स, इसे कॉलन कहते हैं। सेट बुल्डर फॉर्म को कॉलन में लिखते हैं मझले ब्रैकेट में। जैसे एग्जाम्पल यही ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ये सभी स्वरों का समुच्चय है। तो स्वरों के समुच्चय को दिखाने के लिए मान लेते हैं स्वरों का समुच्चय बी है, मझला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। यक्स ये सच डैट इसे पढ़ेंगे ये कॉलन, फिर एक्स अंग्रेजी वर्णमाला एक स्वर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। स्वर विधि में जब आप किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन बातों के बारे में बताऊंगा कि क्या सावधानी होती है। तो देखिए एक सावधानी है रोस्टर विधि में लिखने के लिए। पहली सावधानी क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अगर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हमने आपको बताया था कि मझले ब्रैकेट में लिखते हैं और जो एलिमेंट लिखते हैं अवयव लिखते हैं इनको अवयव कहते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू दिया है, इनको अवयव बोला जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। इनका हम क्रम बदल सकते हैं, मतलब चाहे इस क्रम में लिखें या इस क्रम में लिखें, क्रम बदल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली नियम। दूसरा नियम यह है कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तब भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो दो बार। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं एक सब, जैसे कहते हैं स्कूल। देखिए रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको क्या बताया, स्कूल। जैसे ये क्या लिखा है, यस सी एच डबल ओ यल, स्कूल लिखा हुआ है। अब इसमें अगर जो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या कहेंगे, अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। उसको लिखने का तरीका क्या बनेगा, मझला ब्रैकेट लगाएंगे और जितने भी अक्षर हैं उनको लिख लेंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ पर ओ दो बार है तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे, यस सी एच ओ एल। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि रोस्टर फॉर्म में कभी भी किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। इंपटी सेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई अवयव ना हो। अगर जो कोई सेट बुल्डर फॉर्म ऐसा दिया हुआ है और इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो इंपटी सेट है। चलिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। इंपटी सेट को कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को किस प्रतीक से हम दिखाते हैं, चाहे आप फाई लिखें चाहे कर्ली ब्रैकेट लिखें, दोनों में से किसी एक को दिखाएं। अगर जो हम एक एग्जांपल ले लें, देखिए लिखा है
ए एक्स सच डैट एक्स लेस देन टू। एक्स एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब हो गया कि एक्स की जो संख्या है वो एक से अधिक है और दो से कम है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि एक से अधिक और दो से कम कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट, चाहे आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे चाहे आप इसे इस प्रकार से। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय में क्या अंतर होता है और दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, तो कुछ दो बातें हैं मेरे, उनको याद कर लेना। परिमित समुच्चय को कहते हैं फाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या रिक्त हो सकती है अथवा निश्चित हो सकती है। अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या रिक्त अथवा निश्चित नहीं हो सकती है। बस आपको केवल ये दो बातें याद रखनी होंगी। अब चलिए एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे एक सेट हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में, हमने इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए अवयव ए बी सी डी ई जी, ये क्या है एलिमेंट है, अवयव है। तो अब इनको देखिए गिना जा सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो हमने क्या बताया कि अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो देखिए इसकी संख्या क्या है, निश्चित है, तो क्या कहलाएगा परिमित समुच्चय। अब किसी भी समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है, यन होता है और उस समुच्चय का नाम होता है। यहाँ देखिए यन लिखा और समुच्चय क्या है ए है, ए लिखा, कितनी संख्या छः, तो ये क्या हो गया परिमित समुच्चय। अब अगर जो हम प्राकृतिक संख्याओं का समूह ले लें तो ये आपका अपरिमित समुच्चय होगा। कैसे, देखिए रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा एक तीन पाँच सात, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। और इसका पहचान यही है कि उसका अंत नहीं होता है, डॉट डॉट करके उसको बढ़ा दिया जाता है। विषम संख्या कहा तो विषम संख्या एक तीन पाँच सात नौ ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अगर जो ये कहीं समाप्त होने की बात नहीं बताई जा रही है तो ये आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा।